पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बातचीत की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाता समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गाभिन हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे का जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी हो गया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास में व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख कर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली हिरणी तथा छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनसे वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उस हिरणी का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नी जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उसके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विक एवं सामूहिक प्रेम भावना देख शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग के परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित व पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास व दूध दही एवं बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते।
वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में चार प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हर हर महादेव।